परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, नीतीश मनदीप के जज्बे को सचिन का सलाम। दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज नीतीश राणा और किंग्स इलेवन पंजाब के बल्लेबाज मनदीप सिंह की तारीफ की है। राणा और मनदीप अपने परिजनों के निधन के बावजूद आईपीएल 13 में अपनी अपनी टीमों के लिए शनिवार को मैच खेले थे। राणा के ससुर का कैंसर के कारण देहांत हो गया था, फिर भी वो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच खेलने के लिए मैदान पर आए। वहीं मनदीप के पिता का शुक्रवार को होने लग गया था, लेकिन इस दुख के बावजूद उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पारी की शुरुआत की थी। सचिन ने ट्विटर पर लिखा, अपनों का विदा होना दुख देता है, इससे भी ज्यादा दुख तब होता है जब किसी को आखिरी बार अलविदा कहने का भी मौका नहीं मिलता। इस दुख की घड़ी में मनदीप सिंह और नीतीश राणा के परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया। राणा ने अहम समय पर सुनील नरेन के साथ 115 रनों की साझेदारी कर कोलकाता को दिल्ली के खिलाफ 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 194 रनों का स्कोर प्रदान किया। राणा ने 53 गेंदों पर 81 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 13 चौके और एक छक्का मारा। राणा ने शनिवार को शेख जायद स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शानदार अर्धशतक जमा अपने ससुर को श्रद्धांजलि दी। राणा ने इस मैच में सुरेंद्र नाम की जर्सी पहनी और उस पर 63 नंबर लिखवाया। कोलकाता ने इस मैच में दिल्ली को 59 रनों से हराया। कोलकाता ने ट्वीट किया था, नीतीश राणा की तरफ से अपने ससुर को श्रद्धांजलि। उनका कल देहांत हो गया था। सुरेंद्र मारवाह की आत्मा को शांति मिले। मनदीप ने लोकेश राहुल के साथ पारी की शुरुआत करते हुए पंजाब के लिए 17 रन बनाए। इस मैच में पंजाब को जीत मिली।